प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी रेप की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रहा है। फतेहपुर में 7 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने घर में घुसकर रेप किया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक छोटी बालिका के साथ छेड़खानी की घटना हुई है, जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। वहीं बागपत में एक नशेड़ी पति ने अपनी ही पत्नी को 4 साथियों को सौंप दिया, जिसके बाद पति के दोस्तों ने बारी बारी से पीड़िता से रेप किया है। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसकी हत्या करने की कोशिश भी की गई। महिला आई थी शिक्षा नाम की, करीब होगी 35-40 साल की। उसने ये बताया कि वो रहती वहाँ है टोनिका सिटी के पास, कुत्ते पे किराए पे रहती है, रहने वाले काम से नाम कॉलोनी की। एक महीना पहले पति से झगड़ा हो गया था तो वो वहाँ जाके रहने लगी थी किराए पे। और उसने बताया कि जो उसका पति लेके आया था और उसके साथ मतलब 3-4 आदमी भी थे, उसको जबरदस्ती की बात बता रही थी। तीसरा मामला गोंडा के तरबगंज थाना क्षेत्र का है, जहां खेत जा रही 16 साल की नाबालिग के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने तीनों ही मामलों में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन बढ़ते रेप की घटनाओं ने सामाजिक ताने बाने पर सवालिया निशान जरूर खड़े कर दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फतेहपुर से नीतीश, बागपत से विवेक और गोंडा से ओमचंद की रिपोर्ट। व्यापार में लाभ होगा या हानि, रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।